नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। सरकार बदलती रहती है लेकिन पुलिस वहीं की वहीं है। जिसकी भी सरकार आई पुलिस उसी की हो गई। कल जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटे जा रहे थे, आज आजसू और बीजेपी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये घटना झारखंड की राजधानी रांची में घटने के बाद सोशल मीडिया में आते ही लोगों के खूब कमेंट बटोर रही है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। विधानसभा में नमाज कक्ष बनाए जाने के विरोध में भाजपा ने आक्रोश मार्च निकालकर विधानसभा को घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू ने मोराबादी मैदान में सीएम आवास के घेराव का प्रयास किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित आजसू के कार्यकर्ता भारी संख्या में मोराबादी मैदान पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ राज्य के तमाम बड़े भाजपा नेताओं ने अरोगोड़ा मैदान से विरोध मार्च निकाला, जिसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची सांसद संजय सेठ शामिल थे। विधानसभा घेराव के लिए निकले भाजपा नेताओं को पहले जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचते ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया और फिर लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ सहित महिला कार्यकर्ताओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। बीजेपी ने लाठीचार्ज को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। भाजपा का आरोप है कि ये सरकार लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। साथ ही दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे थे। हालांकि लाठीचार्ज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता जख्मी भी हुए। वहीं इन दिनों सरकार के वादा खिलाफी को लेकर और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मांग को लेकर आजसू द्वारा पिछले 3 दिनों से विभिन्न जिलों से आए पार्टी के कार्यकर्ता नेता संस्मरण पत्र लेकर मोराबादी बापू वाटिका से मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर मार्च कर रहे हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन झारखंड के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा न्याय मार्च निकाला गया, जिसमें आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सहित आजसू के कई कदावर नेता इस सचिवालय मार्च में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे आजसू कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आजसू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। आजसू कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आजसू का यह मार्च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय होते हुए जब मुख्यमंत्री आवास के पास में मौजूद फुटबॉल मैदान के पास पहुंची, तब कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं आज 9 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने काला दिवस मनाया, तो इधर आजसू पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन का लाठीचार्ज का विरोध किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।